हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव स्टडी फंड। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शिवमोगा एयरपोर्ट, जो कि हाल ही में सुर्खियों में है। हम देखते हैं कि सुर्खियों में क्यों है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधुनिक सुविधाओं से लैस कर्नाटक के शिवमोगा एयरपोर्ट को देश को समर्पित किया। हम यहाँ पर जानेंगे कि ये शिवमोगा एयरपोर्ट है क्या। तो फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसका विकास लगभग 450 करोड़ रुपये की लागत से किया गया, जो आधुनिक सुविधाओं से लैस है। यह आसपास के क्षेत्रों से बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। इसके यात्री टर्मिनल का भवन कमल के आकार का बनाया गया है। यह हवाई अड्डा 662.38 एकड़ में फैला है। इसकी नींव जून 2020 में पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा ने रखी थी, जो अब बनकर तैयार हो गया है। इसके साथ साथ इस एयरपोर्ट का रनवे 3200 मीटर लंबा है। इसे बोइंग 737 और एयरबस A320 जैसे बड़े यात्री विमानों के लिए डिजाइन किया गया है। अब हम बात करेंगे कि क्या इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इसकी मदद से मलनाड क्षेत्र में शिवमोगा अन्य पड़ोसी क्षेत्रों से कनेक्टिविटी और पहुँच की सुविधा में सुधार होगा। पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। इस क्षेत्र से वाणिज्यिक गतिविधियों में भी सुधार होगा। अब हम बात करते हैं कर्नाटक का नवा डोमेस्टिक एयरपोर्ट, जिसे हम नाम दे रहे हैं शिवमोगा एयरपोर्ट। तो शिवमोगा एयरपोर्ट कर्नाटक का नवा डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। वर्तमान समय में इसके अन्य डोमेस्टिक एयरपोर्ट जैसे देखें कलबुर्गी, बेलगावी, मैसूर, बल्लारी, बोदर, हुबली, बेंगलुरु और मंगलुरु है। इनमें से बंगलुरु और मंगलुरु एयरपोर्ट राज्य के दो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।